हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साई खुशी क्रिएशंस। तो आज के वीडियो में मैं आपको सावन सोमवार की पूजा दिखाने वाली हूँ कि किस प्रकार से आप सावन सोमवार की पूजा कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने पाट्टे के आसपास और पाट्टे के नीचे रंगोली बनाई है। उस पर मैंने हरे रंग का कपड़ा बिछाया है, आप लाल रंग का कपड़ा भी बिछा सकते हैं या सफ़ेद रंग का कपड़ा। उसके बाद भगवान की फ़ोटो रखी है। फ़ोटो में गणपति जी ऑलरेडी हैं तो मैं वहीं पर उनकी चंदन रोली चावल वस्त्रूपी मौली और इत्र लगाकर पूजा कर रही हूँ। अगर आपके पास फ़ोटो में ना हो तो आप अलग से रख सकते हैं। इसके बाद दुर्वा और फूल अर्पित कर देंगे गणपति जी को। अब अगर आपके घर पर शिवलिंग हो तो उनकी पूजा करें, और अगर शिवलिंग ना हो तो आप मिट्टी से शिवलिंग बना सकते हैं। सावन सोमवार की पूजा कोई भी कर सकता है, और सावन में हमें शिव जी की सोमवार के दिन तो एटलीस्ट पूजा ज़रूर से करनी चाहिए। तो ये देखिए, शिवलिंग पर जल अर्पित करेंगे। नंदी देव भी हों तो उनकी भी पूजा करें साथ में ही, या फिर आप घर पर आसानी से मिट्टी का शिवलिंग बनाकर उनकी भी पूजा कर सकते हैं, बाद में उनका विसर्जन कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो ऐसे जो आपके घर में हो उनकी पूजा करें, दोनों में से जिनकी भी पूजा आप करना चाहें कर सकते हैं। तो जल चढ़ाने के बाद हम दूध चढ़ाएंगे। तो मैंने कच्चा दूध लिया है, आप पंचामृत भी ले सकते हैं, भगवान शिव का रुद्र अभिषेक भी कर सकते हैं। शिव जी से रिलेटेड जितने भी वीडियोस मेरे चैनल पर हैं उन सभी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी उस प्लेलिस्ट का। गंगा जल भी शिवलिंग पर अर्पित करें अगर आपके पास गंगा जल हो। जो भी सामग्री आपको मिल रही हो उन सामग्रियों से आप पूजा आसानी से कर सकते हैं। अगर इनमें से कोई भी सामग्री मिलना आपके लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा है तो उसके बिना भी आप पूजा कर सकते हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले शिव जी को चंदन लगाएंगे। शिव जी को सफ़ेद चंदन अति प्रिय है और पीला चंदन भी उन्हें लगाया जाता है, तो दोनों चंदन आप उन्हें लगाएं जो भी आपके पास हो। माता गौरी को यानी पार्वती मैया को आप कुमकुम लगाएं, सिंदूर लगाएं, रोली लगाएं, और गंगा माता को भी आप रोली कुमकुम सिंदूर हल्दी कुमकुम लगाएं। इसी के साथ साथ नाग देवता त्रिशूल ये सब भगवान जी की फ़ोटो में भी हैं तो वहाँ पर भी आप उनकी पूजा कर सकते हैं। इसके बाद भगवान पर चावल यानी कि अक्षदम अर्पेंगे, और साथ ही साथ मैं मूंग भी चढ़ा रही हूँ। हमारे यहाँ हर पूजा में मूंग का विशेष महत्व होता है। मूंग चढ़ाना भी चावलों की तरह ही शुभ होता है, और आप भी मूंग जरूर से चढ़ाएं। तो ये देखिए, इस प्रकार से मूंग चढ़ा देंगे। उसके बाद भगवान जी को वस्त्रूपी मौली अर्पित करेंगे। वस्त्रूपी मौली एक तरीके से वस्त्रों का ही रूप होता है। आप चाहें तो भगवान जी को सफ़ेद वस्त्र और या फिर पीला वस्त्र भी अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद जनेऊ चढ़ाएंगे। जनेऊ ना हो तो आप कच्चे सूत को 7 बार हाथ पर लपेट कर वो भी चढ़ा सकते हैं। अब मेन इंपॉर्टेंट चीज़, हम बेलपत्र चढ़ाएंगे। तो बेलपत्र की जो फ्रंट की साइड होती है वो हमें भगवान जी की तरफ रखनी है, और जो मतलब जो चिकनी साइड होती है वो भगवान जी की तरफ होगी, और दूसरी वाली हमारी तरफ। शिवलिंग के ऊपर हमें बेलपत्र चढ़ाने चाहिए। अगर आपको किसी भी कारण से कोई भी सामग्री नहीं मिल रही है तो उनके बिना भी आप पूजा कर सकते हैं। अभी तक तो मैंने जितनी सामग्री दिखाई वो मोस्टली हमारे घर पर होती ही है। उनके अलावा जो जो आपको शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए मिल जाए उन्हीं के साथ आप पूजा करें। वैसे तो सावन में और सोमवार के महीने, सावन में और स्पेशली सोमवार पर बेलपत्र मंदिर के पास मिलते ही हैं शिव जी के, तो आप वो वहां से लाकर चढ़ा सकते हैं। साथ ही मैंने अपराजिता का फूल भी चढ़ाया है। मेरे घर में ही अपराजिता का पेड़ है, बट बारिश के कारण जो फूल हैं वो मुरझा गए हैं। सफेद फूल हो तो सफेद फूल भी चढ़ाएं भगवान शिव पर। सिर्फ अगर आपको बेलपत्र मिल रहा हो तो बेलपत्र ही आप सिर्फ चढ़ा दें, उतना भी काफ़ी होगा। उसके अलावा जो जो आपको मिल जाए वो आप चढ़ाएं। तो मैंने धतूरा चढ़ाया है, उसी के साथ साथ ये आंकड़े के पत्ते यानी मदार के पत्ते होते हैं वो भी मैं चढ़ा रही हूँ। और इसी के साथ साथ जो भी 5 फल आपको मिल जाए वो 5 फल चढ़ा सकते हैं आप। भस्म चढ़ाएंगे भगवान शिव पर, और ये शमी पत्री है, शमी पत्री भी मैंने अर्पित करी है। साथ ही साथ नंदी जी को दुर्वा अर्पित करी है, और 2 पान पर 2 इलायची और 2 लौंग अर्पित करी हैं। ये भी अगर आपके पास हो तो आप रखें, ना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। भस्म आप आसानी से घर पर भी बना सकते हैं, हमारे यहाँ पैकेट मिलता है, पर अगर आपके पास ना हो तो आप घर पर बना सकते हैं। घर पर बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस एक गोबर का उपला लें आप, उसे आप गैस पर अच्छे से गर्म कर लें, और फिर जब वो ठंडा हो जाए आप उसमें लोबान भी मिला सकते हैं खुशबू के लिए, वो ठंडा हो जाएगा। उसके बाद आप उसको मतलब हाथ से ही वो अच्छे से चूल लें, और फिर उसे भस्म की तरह अर्पित कर सकते हैं। तो आपकी घर पर ही भस्म बनकर रेडी हो जाएगी। इसके बाद भगवान जी को धूप दिखाएं, दीप दिखाएं, जो भी मिठाई आप लाए हो, जो भी मिठाई आपने बनाई हो, वो कोई सी भी मिठाई आप अर्पित कर सकते हैं। दूध से बनी हुई सफ़ेद मिठाई हो तो बहुत अच्छी बात है,
वरना जो भी मिठाई आपको मिल जाए वो ही मिठाई आप चढ़ा सकते हैं। इसके बाद भगवान जी की आरती करें, पहले गणपति जी की आरती करें, फिर भोले शंकर की आरती करें, और इस प्रकार से प्रत्येक सावन को आप पूजा कर सकते हैं। मैंने प्रसाद में पंचमेवा और फल ही अर्पित करें हैं, इसके अलावा आप कुछ और भी चढ़ा सकते हैं। भगवान जी की कपूर आरती करेंगे और इसी प्रकार से आपका जो सावन के सोमवार का पूजन है वो कंप्लीट हो जाएगा। सावन के सोमवार का पूजन कोई भी कर सकता है और सभी को करना चाहिए। सारे परिवारजनों को मिलकर सभी लोगों को सावन सोमवार की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद कपूर आरती भी कर लें और इसी प्रकार से आपकी पूजा कंप्लीट हो जाएगी। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल साईं खुशी क्रिएशंस को ज़रूर सब्सक्राइब करें।